पीछे जगह है और उधर चले। जनाब शमशीर तो आपसे गुजारिश है और पीछे जगह है, दस्ते को उस तरफ फैलाए पूरा। जहीर भाई थोड़ा सा और उधर चले दस्ता ले। अली मोहम्मद साहब, अली मोहम्मद साहब थोड़ा दस्ता अपना उधर जगह है, बच्चों को उधर करिए। जज़ाकअल्लाह, मौला सलामत रखे। नामे हुसैन पे उठने वाले हाथ को अल्लाह किसी फकीर का मोहताज ना बनाए। मसरूफ इबादत है अंजुमन ज़ुल्फ़िकारिया बड़ी मस्जिद, इस अंजुमन के फौरन बाद हमारी दूसरी मुकामी अंजुमन अंजुमन आज़ादारिया बारादोरिया, उनके मेंबरान से गुजारिश है कि वो नमाज इश्क हुसैन के लिए आमादा रहे। अंजुमन है अंजुमन ज़ुल्फ़िकारिया बड़ी मस्जिद। जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह। या हुसैन हजरत, एक सूरह फातिहा जनाब कैसर जौनपुरी साहब को इसाल कर दे। एक अजीम शख्सियत आपके जौनपुर की, जनाब कैसर जौनपुरी साहब को एक सूरह फातिहा इसाल कर दे।
जितने लोगों को करबलाए मोहल्ला जाने की तमन्ना है कि अरबईन करबलाए मोहल्ला में करें, वो दोनों हाथों को उठाएंगे और लब्बैक कहेंगे और इतनी जोर की आवाज होगी कि यहाँ से आवाज जौनपुर में न रह जाए, लखनऊ में न रह जाए, कानपुर तक न पहुंचे, बल्कि नजफ अशरफ से होती हुई करबलाए मोहल्ला तक पहुंचे। जिसके जिसके दिल के अंदर तमन्ना है दोनों हाथों को बुलंद करके कहेगा लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। खुदा की कसम, अंजुमन जुल्फकारे जुल्फकारिया बड़ी मस्जिद को मातम करते हुए देखा, इनके दस्ते को देखा, दिल को सुकून मिला। खुदा करे कि इतनी बड़ी अंजुमन हिंदुस्तान की हर बड़ी अंजुमन हो जाए, इसी तरीके से दस्ता हो जाए। अब ये दस्ते के हवाले से मैं चार मिसरे आपके हवाले पढ़ रहा हूँ। आपका जज्बा क्या है, आपका खुलूस क्या है, आपका अकीदा क्या है? जिस तरीके से आप खराज अकीदत पेश कर रहे थे, आप क्या कह रहे थे कि कुरान शहादत की मैं तफसीर करूंगा जब सीने पे नोहा कोई तहरीर करूंगा। अरे रो देंगे नकीरैन गमे शाहे हुदा में, मैं कब्र में भी मातमे शब्बीर करूंगा। देंगे नकीरैन, वाह 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 वाह, नारे वक्त सबसे बड़ी खिराजी अकीदत होगा कि कैसर जौनपुरी साहब का एक शेर पढ़ा जाए। सबसे बड़ा मेरे नजर में खिराजी अकीदत कैसर जौनपुरी साहब के लिए होगा कि उनके एक शेर पढ़ा जाए, मगर ऐसे नहीं पढ़ूंगा, इसलिए कि जौनपुर ने जहां जहां भी अपने चराग जलाए हैं ना, रोशनी में कोई कमी नहीं रही पूरे जौनपुर में। लखनऊ की शब्बेदारी हो रही थी, लखनऊ के तमाम बड़े शोरा वहां मौजूद थे, लखनऊ के तमाम शोरा शेर पढ़ रहे थे। दो तीन मिनट बस एक शेर मुझे पढ़ना है कैसर जौनपुरी का। लखनऊ के तमाम बड़े शोरा शेर पढ़ रहे थे, एक शेर कैसर जौनपुरी साहब का पढ़ूंगा और चार शेर लखनऊ वालों के पढ़ूंगा, मगर वो चार शेरों से अगर बड़ा शेर हो तो दाद दे देना कैसर जौनपुरी साहब का। इसलिए आपके जौनपुर का चराग लखनऊ में मुनव्वर किया, लखनऊ में मिसरा हुआ कि हम न जाएंगे कभी शब्बीर का दर छोड़कर, हम अगर उठे तो उठेंगे यही सर छोड़कर। नहीं नहीं, ये तो लखनऊ वालों के तीन शेर मुझे पढ़ना है। हम न जाएंगे कभी शब्बीर का सर दर छोड़कर, हम अगर उठे तो उठेंगे यही सर छोड़कर। हुर 72 सूरजों की अंजुमन में आ गया, हौसला तो देखिए लाखों का लश्कर छोड़ दे। अब एक शेर मुझे पढ़ना है अजहर लखनवी साहब का, दूसरा शेर कैसर जौनपुरी साहब का। पढ़ता तो इसके कम से कम 20-30 शेर, मगर एक शेर कैसर जौनपुरी साहब का यह दिखाना है कि देखिए लखनऊ में किस तरीके से अपने कलम का लोहा मनवा दिया जनाब कैसर जौनपुरी साहब ने। हम अगर उठे तो उठेंगे यही सर छोड़कर। हुर 72 सूरजों की अंजुमन में आ गया, शायद नौजवानों के हाथ उठ जाए। हुर 72 सूरजों की अंजुमन में आ गया, हौसला तो देखिए लाखों का लश्कर छोड़कर। हसन अकबर भाई, हैबत-ए-अब्बास जब मक्तल में रखती है कदम, भाग जाते हैं लई मैदान में सर छोड़कर। अब एक शेर कैसर जौनपुरी साहब का सबके हाथ उठना चाहिए अगर शेर पहुंच जाए। लखनऊ की सरजमीन में शब्बेदारी का सबसे बड़ा शेर था कि हम न जाएंगे कभी शब्बीर का दर छोड़कर, हम अगर उठे तो उठेंगे यहीं सर छोड़कर। फिर 72 सूरजों की अंजुमन में आ गया, हौसला तो देखिए लाखों का लश्कर छोड़कर। हौसला तो देखिए, है बते अब्बास जब मक्तल में रखती है कदम, भाग जाते हैं लई मैदान में सर छोड़कर। अरे हैदर कैसर जौनपुरी साहब मरूं, छोड़कर। आइए हजरात, खराज अकीदत पेश करने जा रही है अंजुमन जुल्फकारिया बड़ी मस्जिद। मोहसिन अज़ा आले जनाब सैयद गौहर अली जैदी साहब, जुगदारी से जनाब मीनू साहब का ये हुक्म है कि आप यहाँ पे डाइस पे तशरीफ लाएं। मोहसिन अज़ा आले जनाब सैयद गौहर अली जैदी साहब से गुजारिश है कि वो यहाँ पे तशरीफ लाएं डाइस पे।
तीसरा कुरान निकला है अभी अंजुमन गुलशन इस्लाम बाजार हुआ अंजुमन गुलशन इस्लाम बाजार हुआ मुकामी अंजुमनों जो तीसरा कुरान निकला है वो है अंजुमन गुलशन इस्लाम बाजार हुआ चौथा अंजुमन सज्जादिया मुफ्ती मोहल्ला Sorry.
कहना है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।
क्या कह रहे हैं सुभान अल्लाह मसरूफ इबादत है अंजुमन ज़ुल्फ़िकारिया इसके फौरन बाद अंजुमन आज़ादारिया के मेंबरान से गुजारिश है कि वो नौ मातम के लिए आमादा है वाह 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 आखिरी शेर समाप्त
उधर जौनपुरी का मकसद है। कर रही थी हमारी मकामी अंजुमन अंजुमन ज़ुल्फ़िकारिया बड़ी मस्जिद, जिसके मशहूर मारूफ साहिब बयाज आली जनाब ज़हीर हसन साहब पुरसा पेश कर रहे थे। इस अंजुमन के फौरन बाद हमारी दूसरी मकामी अंजुमन अंजुमन आज़ादारिया बारादोरिया नौहों मातम के लिए आमादा रहे, और अंजुमन आज़ादारिया बारादोरिया के फौरन बाद हमारी मेहमान अंजुमन अंजुमन नासिरुल अज़हर रजिस्टर्ड कुराली इलाहाबाद के मेम्बरान से गुजारिश है कि वो नौहों मातम के लिए आमादा रहे, और अंजुमन नासिरुल अज़हर कुराली इलाहाबाद के फौरन बाद अंजुमन गुलशन इस्लाम बाजार हुआ, और उसके बाद अंजुमन सज्जादिया मुफ्ती मोहल्ला के मेम्बरान से गुजारिश है कि वो नौहों मातम के लिए आमादा रहे। से दस बस्ता गुजारिश है कि वो वक्त का खास ख्याल रखें, हमेशा बेदारी अपने वक्त मुअय्यना पे खिताब पजीर करनी रहती है, लिहाजा मुकामी अंजुमनों से खास इल्तजा है, गुजारिश है, ये शब्बेदारी आपकी है तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि इसे पाबंदी वक्त से ख़त्म करें।
सुनेगा साहब। मेरे बाबा को बुला दे मसरूफ इबादत है हमारी मुकामी अंजुमन अंजुमन ज़ुल्फ़िकारिया बड़ी मस्जिद। इस अंजुमन के फौरन बाद अंजुमन आज़ादारिया बारादोरिया के मेंबरान से गुजारिश है कि वो नमाज इश्क हुसैन के लिए आमादा रहे, और अंजुमन आज़ादारिया के फौरन बाद हमारी मेहमान अंजुमन अंजुमन नासिरुल रज़ा रजिस्टर्ड कुराली इलाहाबाद के मेंबरान से गुजारिश है कि वो नौह मातम के लिए आमादा रहे। हसन अकबर साहब से गुजारिश है, ज़हीर हसन साहब को यह हदिया पेश कर दें। अंजुमन ज़ुल्फ़िकारिया को यह हदिया मौलाना हसन अकबर फ़ारूग़ अज़ा मौलाना हसन अकबर साहब के दस्ते मुबारक से दिया जा रहा है। अंजुमन ज़ुल्फ़िकारिया बड़ी मस्जिद मसरूफ़ इबादत है। इसके बाद अंजुमन आज़ादारिया बारादोरिया माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह।
अंजुमन जुल्फ़िकारिया बड़ी मस्जिद बारगाह मज़लूम में खराज अकीदत पेश कर रही थी, इसके बाद अंजुमन अज़दारिया।